तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। आज का एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है हमारे मूवी जर्नी का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आई थिंक गॉड एक्स मरने वाला है। जब तक कोई विलन नहीं मर जाता, वो मूवी ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो और एक चीज़, आज तक हमने जितने भी एपिसोड देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप जाके एक बार देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ही वी गो गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पर स्ट्राइक मिल चुका है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बस सपोर्ट ही चाहिए और कुछ नहीं। ही वी गो। चलिए भाई, फाइनल एपिसोड। तो आई थिंक इस वीडियो में ये जो फैरो की वाइफ है, वो भाई फाइट करेगी। अगर ये फाइट करी ना, तो भाई तवाई मचने वाला है। इडिरेसन जो नाम है भाई, इसकी एटीट्यूड ही अलग लेवल का है। काफी सारे आदमी है और इन सभी के पास गन्स है। ओए कौन हो तुम लोग, और ये गॉड एक्स के एरिया में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे आने वाले की पेटी बन जाती है? हम यहाँ तुम्हारे बॉस की पेटी बनाने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग बीच में आए तो तुम्हारी भी बन सकती है। अच्छा मजाक कर लेता है ये, देखो। अरे इनमें तो भाई वो लड़की काफी थी यार। गए भाई बिना एक गोली चलाए। इडिडासन, अरे फेरो, तुमने तो कहा था वो यही मिलेगा, लेकिन वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो तो यहीं पे रहता है, अब अचानक किधर चला गया? लगता है उसे पता चल चुका था कि हम उसको यहाँ मारने आ रहे हैं, इसीलिए वो पहले ही भाग गया डरपोक। वो भागने वाले में से नहीं है, हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारे सामने उसकी ये चालाकी काम नहीं आएगी, उसे जो करना है करने दो। सही कहा तुमने, तो तुम दोनों यहीं पे हो। अब ये कौन है? ये क्या? अरे पोसाइडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने सोचा तुम उस गोडेक्स के आगे कमजोर ना पड़ जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गया। अच्छा, पर पोसाइडन यहाँ पे गोडेक्स तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ जाके छुप गया। ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यहीं पे रहता है ना शायद। हाँ वो यहीं पे रहता है। अच्छा, जिस चीज से तुम उसे मारने वाले थे वो लेके आए हो? ये उसके कब्जे में, ये पोसाइडन जो है ना गोडेक्स के कब्जे में। हाँ वो मेरे पास ही है अभी। अच्छा दिखाओ जरा। अच्छा अच्छा, हाँ ये लो भाई। गलत हो गया, गलत। तो ये तलवार है जिससे तुम मुझे मारने के लिए आए थे? भाई ये क्या कह रहे हो पोसाइडन, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? अरे मैं ही तो गॉड एक्स हूँ। ये अरे भाई अलग ही हो गया। ये क्या, ये तो गॉड एक्स निकला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये वेपन मेरे को देने के लिए। भाई तुम्हारे सभी दोस्तों को मारूंगा और तुम दोनों को लास्ट में। अरे नहीं, यही कैद रहोगे। अरे बाहर निकालो मुझे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया गोडेक्स तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाई ये तो बहुत गलत हो गया भाई, गलत। वो सब बाद में देखेंगे, गलत ही हो गया। फ्रेंड्स को अच्छा मजा चखाता हूँ। अरे नहीं, अभी तक उस गोडेक्स की पेटी बन चुकी होगी। फेरो का तुम्हें कोई कॉल आया पोसाइडन? नहीं अभी तक तो नहीं आया। पोसाइडन तो यहाँ पर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी वहाँ पे। आपने जैसा बताया था कि वो वेपन काफी पावरफुल है और सही हाथों में, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस फेरो को। तुम उस गोडेक्स को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। वो काफी ज्यादा चलाक है और वो कुछ भी कर। वो तो दिख गया भाई, बहुत चलाक है सच में। हमें भी शायद मेरा मार्ग जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। ये भाई कब से वेट कर रहा था इसी चीज की। आसमान से भाई, बढ़िया यार, जहर। ये तो यही आ गया मारने के लिए। ओ पहली बार गन का फायरिंग हो रहा है, यानी कि विलेन के ऊपर। बढ़िया, कुछ नहीं होगा भाई तुम्हारी गोलियों से। ये इसका तो वो भी खतरनाक है भाई। भाई भाई इजी। ओ विक्टर को तो गन से मार दिया। देखो तुम्हारी मौत आई है। ये क्या, ये गोडेक्स यहाँ कैसे पहुंच गया? फेरो तो इसकी पेटी बनाने वाला था ना। उस बेवकूफ को पागल बना के मैंने उसका ही वेपन ले लिया और उसको वहाँ पे कैद कर दिया। पोसाइडन ने सही कहा था, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। ये भी काफी ज्यादा चलाक है, पर कोई नहीं, निपट सकते हम तुझसे अभी भी। दिमाग भी लगाता है वो विलन गोडेक्स।
ये भाई ये काला जादू यूज करता है ना, ये तो भाई जहर है। पीछे से अब दिखा दो इस तलवार की ताकत। अब बाकियों की बारी। भाई भाई ऐसे तो ये सभी मैपों में कब्जा कर लेगा। मुझे लगा ही था कि तुम बाकी के लोग भी यहीं पे होगे। अरे ये आ गया। चलो अच्छा हुआ एक साथ मिल गए, अब तो मैं आराम से हरा सकता हूँ। गॉड एक्स अगर जम है तो उस तलवार को बिना यूज करके हमें हरा के दिखा। हाँ सही कहा पोसाइडन, ये उस तलवार के बिना कुछ नहीं, ये उसी के बलबूते पे उछलता है। अच्छा ऐसी बात। ललका लिया भाई। मैं हराऊंगा। तगड़ी फाइट भाई साहब, ये क्या कुछ नहीं हुआ, ये मारा। ओह नाइस, बहुत हुआ। अब इसको यूज करना ही पड़ेगा भाई। भूल गए आप मुझे अच्छे से याद, पर अब मेरा मन करा इसे यूज करने का, तो यूज करूंगा मैं। तो अब भी यहाँ पर म्यूजिक बहुत ही तेज था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब इसने तरवाल निकाला तो पोसाइडन ने कहा था कि भाई तुम ये तरवाल बिना लड़ोगे, ये कहा था तुमने, भूल गए। तो इसने कहा गोडेक्स ने कि हाँ पता है, लेकिन मेरा मन मैं जब चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है? इनकी आधी टीम तो ऐसे ही हार गई मेरे से, चलो अब बाकी की भी ऐसी हालत करता हूँ। लेकिन इसने पेटी नहीं बनाई, आई डोंट नो क्यों। तुमने उसको तलवार दी ही क्यों, अपने पास रखते ना। अगर मुझे पता होता कि वो गॉड एक्स है तो मैं तलवार क्यों देता। खैर छोड़ो, हमें सभी को बचाना पड़ेगा, वरना वो उन सभी की पेटी बना सकता है। मर जाने दो, अब जब गलती करी ही है तो भुगतो भी फिर। अरे इरिडेशन ऐसा मत बोलो, लास्ट टाइम कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने की, चलो फिर से पावर अप करते हैं। ठीक है, हो गया भाई फाइनली, आखिर ये काम कर ही गया, हम निकल गए इस चीज से। चलो अब जल्दी चलते हैं, कहीं देरी ना हो जाए। फिंटर क्वीन, हमने कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक तो नहीं कर दिया, ये लोग तो होश माने का नाम ही नहीं ले रहे। हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए एंजल, होश में आ जाएंगे ये। लेकिन इनको इतना टाइम तो हो ही गया है, अब तक तो इनको होश में आ जाना चाहिए। क्या पता हमारा अटैक कुछ ज्यादा ही असर कर गया हो, शायद इसीलिए जल्दी होश में नहीं आ रहे। कहाँ छुप के बैठे हो डॉक्टर? अरे ये तो यहाँ पर भी आ गया। अब कौन आ गया बाहर? भाई गॉड एक्स है, गॉड एक्स। इतने ही लोग बचे हैं अब। अरे ये क्या, गॉड एक्स? लेकिन ये यहाँ कब आया? एंजल मैं यहीं पे घूम रहा था, पर पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया ये। इसे तो फेरो मारने वाला था ना गॉड्स की तलवार से। तुम्हारा दोस्त फेरो काफी बेवकूफ है, मुझे मारने के लिए आया था और मैंने उसे पागल बना के उसी की तलवार ले ली। खैर छोड़ो, जिस काम के लिए आया हूँ अब वो करता हूँ, तुम्हारी पेटी बनाने का। भाई तुम क्या ही कर लोगी, फिर भी ट्राई है कि नहीं। गॉड एक्स है भाई, ये गॉड एक्स भगवान है भाई, नाम में ही भगवान है और बंदा भी भगवान ही है, लेकिन बुरा भगवान है। रुक अभी बताता हूँ। साले तेरी। ओह नाइस, तुम दोनों की तो तुम दोनों के ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से तुम निकल ही नहीं पाओगे कभी। ये भाई, अरे बंदा गायब, ये भी गई। अरे भाई नहीं रोक पाएगा आई थिंक। हाँ मुझे पता था, क्योंकि ये जो अभी यूज किया ना, ये शक्ति भाई बहुत ही पावरफुल है। जब से मैं देख रहा हूँ इससे भाई हर एक बंदा लेट जाता है। ठीक है, बेटी बनवाने के लिए रेडी हो जाओ व्हाइट गर्ल। व्हाइट गर्ल जोकर आ गया भाई, जहर भाई ये अपनी पत्नी को कैसे मरवा सकता है। सॉरी कोडेक्स, अभी हम भी बचे हैं। जोकर एंजल को ऊपर ले जाओ, उसे काफी ज्यादा डैमेज मिला है। हाँ ठीक है अवलांच। बाय बाय बाय, पत्नी को कांधे में उठा के लेके जा रहा है जोकर। एंजल अब इसे मैं देखता हूँ। सही टाइम पे हील हो गए ना ये लोग। ये कौन सी जगह आ गए हम? अरे विंटर क्वीन वहाँ सामने देखो। अब ये कौन है भाई? अरे ये मीरा मार है। अब ये कौन है?
वुकोंग नाम है मेरा। वुकोंग? अरे ये बंदा वुकोंग है। सॉरी। वुकोंग नाम तो इसका सुना सुना लग रहा है। तुम लोग मेरी जगह पे बिना पूछे आए हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। विंटर को इन संभल के। ये इससे भी पहले वाले एपिसोड में, हाँ पहले वाले एपिसोड में था, जिसमें भाई सिल्वेनस जो था वो विलन था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा वुकोंग जो थे जुड़वा थे, ठीक है। दोनों भाई सेम सेम थे, एक विलन की साइड था एक हीरो की साइड था। अरे ये क्या, ये कैसी शील्ड बना दी मेरे आसपास। तुम ठीक तो हो रॉकी? हाँ मैं ठीक हूँ विंटर क्वीन। फिक्र नहीं करो, मैं इसे संभालती हूँ। भाई पावरफुल पंच। वाह क्या अटैक किया विंटर क्वीन तुमने, मजा ही आ गया देख के। हमको भी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। आई थिंक ये अभी फुल पोटेंशियल में आएगा, यानी कि अपना जो पावर है इसका, ये पावर मीडियम है, ठीक है। ये लो वाले में कुछ और आउटफिट होता है, मीडियम में कुछ और आउटफिट होता है, और जो भाई हाई लेवल होता है ना, तो उसमें इसका आउटफिट चेंज होता था। आई डोंट नो अब होगा कि नहीं, लेकिन पहले होता था, ठीक है। अभी नहीं हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले एपिसोड के यहाँ पर जोड़ रहा ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत गलत होगा। पहले सीजन की एपिसोड भी नहीं है, गायब हो गया। हरा ही दिया इसे। शायद ये मर चुका है विंटर क्वीन तुम्हारे इस अटैक से। कितने बेवकूफ लोग हो तुम, नॉर्मली मर गए बनवाने के लिए मेरे सामने खुद आ रहे हो। अगर तुम बच गए तो तुम हजारों की पेटियां बनाओगे, तो इससे अच्छा हम कोशिश क्यों ना करें तुम्हें हराने की, बदले में हमारी पेटी ही क्यों ना बन जाए। ये ठीक है, सही है। दोनों ने सेम पावर यूज किया, बढ़िया। खेल खेल लिया, अब बताता हूँ तुम्हें। ये भाई ये काका गॉड है भाई, काका गॉड है भाई। थोड़ा बहुत मार भी नहीं खा पाता और भाई तलवार निकाल लेता भाई, कैसा गॉड है तू। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ अब? एक ही अटैक में फैल गए। चलो कोई नहीं, अब बस तुम्हारी पेटी बनाना बाकी है, वो भी कर ही देता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी हम लोग भी रह गए हैं। ये आई लाइक दैट भाई। तुम दोनों तुम वहां से निकले कैसे? बस हम वहां से जैसे तैसे निकल गए तुम्हें रोकने के लिए, और अब वो करेंगे भी। भाई ये लड़की के पावर तो भाई कतई जहर है। ओ ये क्या है भाई, ये तो अलग ही है, अरे अलग ही पावर था वो। जोकर खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, इससे वो तलवार कैसे भी लेनी पड़ेगी हमें। मैं समझ गया फैरो, तुम्हें उसके ऊपर कोई अटैक करना पड़ेगा, तभी मैं जाके उससे तलवार ले सकता हूँ। ठीक है फिर हम कोई पावरफुल अटैक करते हैं इस पे। ये मारा भाई साहब टोर्नेडो। बस बहुत हुआ तुम लोगों का खेल, अब सभी मरोगे मेरे हाथों से। भाई मैंने कहा था ना ये कुछ भाई थोड़ी देर भी नहीं टिक पाता, तलवार निकाले था, अब फिर से वही निकालेगा। ये क्या तलवार कहाँ है मेरी? वो इधर है मेरे पास। ले भाई लो फेरो, अब यूज करो इसे। हाँ क्यों नहीं जोकर। ये मिल गया हाथ में तलवार। ये तीनों ने अटैक किया ना, हरा पाओगे तुम लोग मुझे। भाई नॉक हो गया भाई, गया। फाइनली जोकर मुझे फाइनली मर गया। अब कोई नमूना आके इसको फिर से जिंदा ना कर दे, बस इसी चीज की चिंता है, ठीक है भाई। इसको क्योंकि रोलेक्स ने जिंदा किया था, रोलेक्स ने सैनोक पे भी अटैक किया था, तो वहाँ पे जितने लोगों को भी डैमेज मिला है तुम लोगों को सही कर दो इस तलवार से जो तुम्हारे पास अभी है। हाँ वो तो मैं कर दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो फेरो। तो चलो अब इस गोडेक्स की पेटी बनी गई है, तो हमारा क्या काम है अब? तो तुम जा रहे हो फेरो? हाँ हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है फिर बाय।
भाई गए भाई, चलो दोनों चले गए। तो कर मेरा भी टाइम हो गया अब घर जाने का। अरे विंटर को इनका है, पर उसके साथ जाओगे ना तुम? तो उसे जब पता चला गोडेक्स मर गया है तो वो चली गई। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है फिर बाय एवलांच। तो फाइनली एंजल, इस गोडेक्स से छुटकारा मिल ही गया हम लोगों को, अब चैन की सांस ले सकते हैं हम। पर उससे पहले सभी को ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को। भाई वीडियो मस्त लगी, और एपिसोड कुछ ज्यादा ही लेट आता है, 5-5 दिन पहले। मैं समझ सकता हूँ कि भाई क्यों लेट होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना लेट होता है और जितना हम वेट करते हैं उतना ही मज़ा आता है नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं दुआ करूंगा कि भाई थोड़ा बहुत जल्दी अपलोड हो वीडियो और हम भी जल्दी जल्दी देख पाए, ठीक है। और एक चीज़, इस एपिसोड में काफ़ी कुछ सही था और एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जो है वो एडिडासन का एटीट्यूड लेवल हाई नहीं था, मीडियम पे था। मुझे भाई देखना था एडिडासन भाई गोल्डन फैरो, गोल्डन फैरो तो फैरो के अंदर, यानी कि अपने पति के अंदर बहुत ही चिल्लाए, गाली करे, ऐसा कुछ मैं चाहता था, लेकिन इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिला। और एडिडासन कुछ ज़्यादा बोली भी नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मज़ा भाई भर के आया। और हुकोंग जो था वो भाई हमने सिल्वेनस के एपिसोड में देखा था, जिसको हमने 2 मूवी यानी कि 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट देख के ख़त्म किया था, ठीक है। तो उसका भी वीडियो भाई मेरे चैनल के अंदर है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, सिल्वेनस फुल एपिसोड ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और एक चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज भाई मेरे चैनल पर मिल चुका है स्ट्राइक, और इस समय तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।